हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, JSSC CGL परीक्षा आधारित क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। सिर्फ आज झारखंड जीके का रहेगा 40 प्रश्न, क्योंकि आपको पता होगा कि पेपर 3 में JSSC CGL एग्जाम में 40 क्वेश्चन झारखंड जीके से पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें करंट का क्वेश्चन नहीं घुसा है, ठीक है, सिर्फ आपको स्टैटिक टाइप का है और आपको बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। बाद में एक अलग से हम झारखंड का करंट अफेयर अलग से क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, ASO के लिए ज़बरदस्त फाइट हो रहा है झारखंड सचिवालय JSSC CGL एग्जाम के लिए, किसमें कितना है दम, और इसका जो कट ऑफ मार्क्स है इसका 35 आउट ऑफ 40, ठीक है, याद रखिएगा 35 इसका कट ऑफ मार्क्स है। देखते हैं किन किन का नंबर आता है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि कहाँ गलती कर रहे हैं, ठीक है। एज ए टेस्ट की तरफ मानना है, मानना है आपको, क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन पढ़ना है आपको, कॉपी में लिखिएगा और देखिए कितना सही कर पा रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। चलिए, किस ईसाई पादरी को राम कथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है? ऑप्शन देखकर बताइए। विच क्रिश्चियन प्रिस्ट इज नॉन फॉर हिज कॉमेंडेबल वर्क ऑन राम कथा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फादर कामिल बुलके। क्या होगा इसका आंसर? फादर कामिल बुलके इज द राइट आंसर। बिरजिया का अर्थ क्या होता है बताइए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बिरजिया? बिरजिया का मतलब होता है जंगल का मछली। बिरजिया का मतलब होता है जंगल का मछली, ठीक है ना। झारखंड की निम्न प्रशासनिक व्यवस्था समानता के कानून पर आधारित है, बताइए कौन ला है इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ झारखंड इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ इक्वालिटी? लॉ ऑफ इक्वालिटी पे बेस्ड है, तो कौन सा होगा इसका? ढोलको सोहर प्रशासन। ढोलको सोहर प्रशासन बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ इक्वालिटी। तो चार ऑप्शन देख लीजिए, मुंडा का प्रशासन, नागवंशी का प्रशासन, पढ़ा पंचायत प्रशासन, ढोलको सोहर। तो इसका आंसर राइट होगा ढोलको सोहर, चौथा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। संताल गांव के राजनीतिक संगठन और प्रशासनिक इकाई को किस नाम से जाना जाता है बताइए? द पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ द संथाल विलेज वाज नोन एज? तो बताइए, संथाल से रिलेटेड, संथाल गांव, संथाल से मांझी प्रशासनिक हो गया ना, तो मांझी प्रशासनिक व्यवस्था, इसका मतलब मांझी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज द राइट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। झारखंड का कौन सा जिला चना के लिए सर्वाधिक होता है? चना के लिए सर्वाधिक बताइए, कौन सा जिला चना के लिए सर्वाधिक उत्पादन होता है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हजारीबाग, चना के लिए हजारीबाग, ठीक है। महंत घासी किस भाषा के लेखक है? महंत घासी वाज एन ऑथर ऑफ विच लैंग्वेज? नागपुरी, संथाली, कुड़ुक, माल्टो। तो महंत घासी किस भाषा के लेखक है दोस्तों? ती है नागपुरी भाषा के। कौन सा भाषा के? नागपुरी भाषा के, ठीक है। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना कब प्रकाशित हुआ था बताइए? जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य परियोजना कब शुरू किया गया था? वेन वाई द झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज वाज पब्लिश्ड? झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज वाज पब्लिश्ड, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना कब प्रकाशित हुआ था? 2013, 2014, 2015, 2011, तो इसका आंसर 2014 हो जाएगा, ठीक है। झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2014 में। निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से मेल खाते हैं? आपको देखना कौन सा सही मिला हुआ है, आप देखिए इसको और बढ़िया से देखिए, ठीक है, क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चन एक साथ छुपा हुआ है। चलिए देखिए, तालचर कहाँ पे? तालचर ये उड़ीसा होगा, तालचर उड़ीसा, ये तो गलत हो गया भाई, ठीक है, झारखंड दिया हुआ है। कोरबा छत्तीसगढ़ सही है, बोकारो झारखंड सही है, रानीगंज पश्चिम बंगाल सही है, मतलब पहला गलत है बाकी सब सही है, तो 2, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया भाई, एक मिनट, चलिए इसका 2, 3, 4 मतलब तालचर उड़ीसा में, झारखंड में उड़ीसा में तालचर है, ध्यान रखिए, ठीक है, उड़ीसा में तालचर है। बाकी कोरबा छत्तीसगढ़ सही है, बोकारो झारखंड, रानीगंज वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। 1775 में पलामू, रामगढ़ और छोटा नागपुर के लिए सिविल कलेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था 1775 में बताइए? कौन था बताइए? तो पलामू, रामगढ़ और छोटा नागपुर के लिए सिविल कलेक्टर के रूप में
किसे नियुक्त किया गया था? 1775 की बात कर रहा है, ठीक है, 1775, पलामू, रामगढ़ और छोटा नागपुर, सिविल कलेक्टर फॉर पलामू, रामगढ़ और छोटा नागपुर 1775 में एस जी वीटली, ठीक है, याद रखिएगा, एस जी वीटली 1775 में, ठीक है, वाइस सिविल कलेक्टर था, पहला ऑप्शन। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन तत्कालीन बिहार झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? जी, अंडर द लीडरशिप ऑफ सुभाष चंद्र बोस एन ऑल इंडिया एंटी कंप्राइजेस कंप्रोमिस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन बिहार झारखंड, गया, पटना, रामगढ़, देवघर। चलिए तीसरा आंसर क्या होगा? रामगढ़ हो जाएगा, ठीक है, ये सब क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। झारखंड औद्योगिक नीति 2001 में लक्ष्य किया गया था कि राज्य में उपलब्ध खनिज और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग के साथ विकास दर कितने प्रतिशत है। कहने मतलब इसमें इंग्लिश में देखा जाए दोस्तों, तो इसका कहने का मतलब झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2001 वाज एम्ड टू अचीव हाउ मच परसेंट डेवलपमेंट रेट विथ ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल इन द स्टेट, 15%, 12%, 20%, 10%। तो इसका आंसर हो जाएगा 10%, चौथा ऑप्शन, ठीक है। 1913 में मानगढ़ आदिवासी आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? 1913 में मानगढ़ आदिवासी आंदोलन, ठीक है, बताइए, 1913 में मानगढ़, अंडर हुज लीडरशिप डिड द मानगढ़ ट्राइबल मूवमेंट स्टार्ट इन 1913 में? विनोदानंद झा, नायक गुरु, हेमंत कुमार बोस, सरस्वती देवी। 1913 का बात कर रहा है, बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा नायक गुरु हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? नायक गुरु इज द राइट आंसर। वनम, वनम का नाम सुनोगे, वायलिन की तरह एक लोकप्रिय लोक संगीत वाद्य यंत्र है जिसे निम्न द्वारा बजाया जाता है? वनम, मुंडा, संथाल, उराव, सरना। वनम इज ए पॉपुलर फोक, कौन बजाता है इसको? इस प्लेड बाई संथाल, ठीक है, संथाल जनजाति, वनम, ठीक है, बनम संथाल जनजाति के द्वारा। ढोकरा कला किस समुदाय से संबंधित है, बताइए? ढोकरा आर्ट कौन सा जनजाति से ढोकरा आर्ट, बताइए? मालपहाड़िया, असुर, मल्हार, कंवर। ढोकरा आर्ट बिलोंग टू विच कम्युनिटी? ढोकरा आर्ट, बताइए, ढोकरा आर्ट क्या होगा? क्या होगा? मल्हार, ढोकरा आर्ट मल्हार, याद रखिएगा, ठीक है, ढोकरा आर्ट मल्हार। डैश को करमाली जनजाति का पवित्र स्थल पर माना जाता है, करमाली का पवित्र स्थल किसको बोलते हैं, बताइए? बताइए, होली साइट ऑफ द करमाली ट्राइब, करमाली, करमाली ट्राइब का पवित्र स्थल क्या माना जाता है, उसको बोलते हैं क्या, बताइए, लिखिए कॉपी में, ऑप्शन लिखिए। तो इसका आंसर देवकारी हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? देवकारी, देवकारी होली साइट है, किसका है? होली साइट है करमाली ट्राइब का, करमाली ट्राइब का, ठीक है। 1857 के विद्रोह के दौरान सबसे पहले ब्रिटिश सेना के मेजर की हत्या होता है, किसका हुआ था, बताइए? ये सब नाम तो सबको पता होगा, इसमें ज़्यादा समय नहीं लेना है, जाइए, किसका हुआ था? लेस्ली का, बिल्कुल सही बात है, मेजर लेस्ली। निम्नलिखित में से कौन सा विभूति 1913 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल थे? 1913 छोटा नागपुर उन्नति समाज में फादर कांस्टेबल लिवेंस, थेबले उराव, जयपाल सिंह मुंडा, कार्तिक उराव। तो 1913 का बात कर रहा है छोटा नागपुर उन्नति समाज, तो इसका आंसर थेबले उराव हो जाएगा, ठीक है,
थेबले उरांव कोल्हान संघ को झारखंड में किस श्रेणी के नाम से जाना जाता है? कोल्हान यूनियन इज नोन बाय द नेम ऑफ विच रेंज इन झारखंड? कुड़प्पा, गोंडवाना, बिंदिया, धारवाड़। क्या माना जाता है? धारवाड़। ये बताइए, ये बता दीजिएगा उसे कौन सा गलत है। कोल तो सही है, 31-32 सही बात है, ठीक है। संथाल भी सही है, कोल भी सही है, संथाल भी सही है, तो फिर क्या गलत दिख रहा है भैया? बास्तर। बास्तर विद्रोह कहाँ कब हुआ था दोस्तों? ये बास्तर, बास्तर, बास्तर ये छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का है, ठीक है, 1910 ईस्वी में। छत्तीसगढ़, बास्तर रिबेलियन 1910 छत्तीसगढ़, ठीक है। वारली विद्रोह, वारली का बताइए। वारली तो सही है यार, 1940 ने, वारली तो सही, 1940, ठीक है। वारली ट्राइब के द्वारा, तो आपको याद रखना बस्तर विद्रोह छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1910 में। इसका आंसर बी गलत है। बाकी कोल पता ही, अपना झारखंड का है, संथाल भी झारखंड का है, वारली का पता हो गया। अब बिस्तर याद रखिएगा, बस्तर 1910 में छत्तीसगढ़, गलत है ये। झारखंड की किस विभूति ने ईसाई मिशनरी के प्रभाव में झारखंड के आदिवासियों को ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध किया था? कौन किया था बताइए, बताइए कौन किया था विरोध? कार्तिक उरांव, ठीक बोल रहे हैं आप लोग, सही लिखे, सही है, गुड, कार्तिक उरांव। चट्टानों के किस समूह को मूल नाइस समूह कहा जाता है? मूल नाइस कहने का मतलब, मूल नाइस मतलब ओरिजिनल नाइस ग्रुप बोला जाता है। कैब्रियम, क्रिटेशन, आर्कियन, पूर्व कैब्रियन। विच ग्रुप ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड ओरिजिनल नाइस ग्रुप? आर्कियन इसका आंसर है, क्या होगा? आर्कियन। निम्नलिखित में से किस सिविल न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान की गई थी? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पाकुड़ में भी, रांची में भी, बोकारो में भी, ठीक है, ये ऑल ऑफ दी जाएगा इसका आंसर। सौर्य पहाड़िया बेरू गोसाई की पूजा किस प्रकृति शक्ति के रूप में करते हैं? बेरू गोसाई, बेरू गोसाई इज वर्कशिप्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल पावर बाई सौर्य पहाड़िया? बेरू गोसाई, सौर्य पहाड़िया, सौर्य, बेरू गोसाई का मतलब सूर्य के लिए, ठीक है, सूर्य। निम्नलिखित में से क्या झारखंड के गीत कहानी जो मेलों और त्योहारों में समय गाया जाता है? देख लीजिए ऑप्शन, देखते ही पता चल जाएगा आपको, मेलों और त्योहारों में कौन लगाते हैं? कोरवा, सुमेता, बदना, जोगाई। क्या होगा? देखिए क्या बोला है, मेलों और त्योहारों में, तो इसका आंसर जोगाई होगा। इंग्लिश में भी लिख देते ताकि आपको इंग्लिश में दिक्कत ना हो, जोगाई, जोगाई। काइनाइट के उत्पादन में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? काइनाइट बताइए, काइनाइट के उत्पादन में झारखंड का कौन सा देश है? बताइए काइनाइट के मामले में, क्या फर्स्ट मारिएगा, नहीं मानिएगा, ठीक है तो फर्स्ट ही मारिए फिर, पहला, ठीक है, काइनाइट। कैथा शिव मंदिर इम्पोर्टेंट है ये, बताइए कैथा शिव टेम्पल, शिव टेम्पल बताइए कहाँ है ये? कहाँ पे? रामगढ़, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा नागपुरी भाषा साहित्य के इतिहास का लेखक है? नागपुरी भाषा साहित्य के इतिहास के लेखक कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर नागपुरी भाषा साहित्य का इतिहास? नागपुरी भाषा साहित्य का इतिहास कौन है? पीटर शांति नवरंगी, पीटर शांति नवरंगी, पीटर शांति नवरंगी नागपुरी भाषा साहित्य का इतिहासकार का लेखक है, पीटर शांति नवरंगी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कब स्टार्ट किया गया था? ये स्टार्ट किया गया था 2004 में, ठीक है,
2004 में। मासिक पत्रिका जौहर सहिया किस भाषा में प्रकाशित है? द मंथली मैगजीन है जौहर सहिया, कौन सा लैंग्वेज में है? जौहर सहिया, जौहर सहिया बताइए। जौहर सहिया कौन सा भाषा में है बताइए? नागपुरी में। कौन सा भाषा में? नागपुरी भाषा। रांची में झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के निर्माण आधारशिला कब रखी गई थी? वेन वाई द फाउंडेशन स्टोन लेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी इन रांची? झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी इन रांची 13 में, 14 में, 15 में, 16 बताइए। झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी रांची में आधारशिला रखा गया था 2016 में। कब रखा गया था? 2016 में। शाहजहाँ और पलामू नरेश प्रताप राय के बीच समझौता कब हुआ था? शाहजहाँ वेन डिड द एग्रीमेंट बिटवीन शाहजहाँ एंड पलामू का नरेश प्रताप राय 1644 ईस्वी में कब हुआ था दोनों के बीच एग्रीमेंट? 1644 ईस्वी में। ये सब थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है डेट वाला, क्योंकि याद जल्दी रहता नहीं है। ड्यूनाइट, पेरिडोफाइट और सपेंटानाइट में कौन सा खनिज प्राप्त होता है ये पूछा हुआ है। ड्यूनाइट इंग्लिश में लिख दे इसको ताकि दिक्कत नहीं होगा। ड्यूनाइट ठीक है, पेरिडोटाइट और तीसरा क्या है? सरपेंटिनाइटाइट। तो ये किसके लिए दोस्तों ये बताइए? ड्यूनाइट, पेरिडोटाइट, सरपेंटिनाइट, ये दोस्तों क्रोमाइट का है। किसके लिए? क्रोमाइट। ड्यूनाइट, पेरिडोटाइट तथा सरपेंटिनाइट से कौन सा खनिज प्राप्त होता है? तो क्रोमाइट। कौन सा खनिज? क्रोमाइट। चलिए कथन बताना है और सही पहचान करना है, ठीक है। यह नरम स्वर वाला एक उपकरण है जिसके वादक खिलाड़ी अब विलुप्त हो चुके हैं क्योंकि इस वाद्य यंत्र को बजाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। अपने नरम स्वर के कारण इस अन्य संगीत वाद्य यंत्रों के साथ नहीं बजाया जाता है। इसे बजाने के लगभग 3 से 4 फीट की खोखली छड़े ली जाती है बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा मान लीजिए तो क्या कीजिएगा बताइए। बताइए भैया तो इसको क्या बोलते हैं? तुलिया, तोहिला या तुलिया बोलते हैं इसको, ठीक है। तुलिया या फिर तोहिला, तुलिया या फिर तोहिला, तुलिया या फिर तोहिला। चढ़ुआ विवाह किस जनजाति का है? चढ़ुआ, सी एच ए डी, चढ़ुआ मैरिज, किसान, कोल, सबर, मोहराली, ये किसान जनजाति का, ठीक। चढ़ुआ किसान जनजाति, चढ़ुआ विवाह। मलाज खंड खान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मलाज खंड, ठीक है, वो बताना है। मलाज खंड माइंस नाम सुने? मलाज खंड माइंस के बारे में कौन सा कथन सही है देखना है, ठीक है। मलाज खंड माइन जो है दोस्तों ये किसके लिए? कॉपर के लिए फेमस है। मलाज खंड माइन कॉपर के लिए फेमस है, बात तो सही है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में उसे देखा जाए तो मलाज खंड माइन अपने कॉपर के लिए प्रसिद्ध है, बहुत सही है। मलाज खंड खदान झारखंड स्थित में, झारखंड में नहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश में, तो ये गलत हो गया। मलाज खंड पर कभी नाम सुने आप लोग कभी? झारखंड नहीं, तो पहला सही है दूसरा गलत, तो पहला सही हो जाएगा। मलाज खंड माइन कॉपर के लिए, ठीक है। सियाना एंड सिखेन, सियाना एंड सिखेन बताइए। जनजाति के ग्राम प्रधान के सहायकों की उपाधि यहाँ है। सियाना एंड सिखेन, बैगा, बिरहोर, चेरू, असूर। सियाना एंड सिखेर, सिखेन आर टाइटल ऑफ असिस्टेंट ऑफ द विलेज हेड ऑफ विच ट्राइब बताइए। तो इसका आंसर बैगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बैगा। छऊ नृत्य यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? ये क्वेश्चन तो आपको याद ही हो गया होगा लग रहा है। कब किया गया था? 2010 में।
महात्मा गांधी पहली बार झारखंड कब आए थे? 1917 में पहली बार आया था ना, लेकिन चलो ऑप्शन तो पता चल गया, लेकिन आपको पूरा डेट याद रखिएगा ठीक है। 4 जून 1917, क्या पता ऑप्शन दो दो 17 का दे देगा तो फंस जाइएगा, हालांकि यहाँ तो एक ही दिया हुआ है तो ऑप्शन तो दिख गया 1917। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में राज्य में तेजस्वनी योजना को लागू करने में सहायता के लिए सहयोग किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोलाबरेटेड टू असिस्ट इन इम्प्लीमेंटिंग द तेजस्वनी स्कीम इन द स्टेट? तो कौन हेल्प किया था इसको करने के लिए? वर्ल्ड बैंक, ठीक है, विश्व बैंक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तुराम डी खदान फेमस है, ये निकाला जाता है? तुराम डी, बताइए, जादूगोड़ा, तुराम डी, जादूगोड़ा, तुराम डी, कोचे, कोयला, यूरेनियम, हेमेटाइट, तांबा, कोल, यूरेनियम, हेमेटाइट, कॉपर। तो तुराम डी, जादूगोड़ा, यूरेनियम, ठीक है। तो ये 40 प्रश्न था दोस्तों, कमेंट कीजिएगा, इसका कट ऑफ मार्क्स था 35, इतना आ रहा था बहुत वेल एंड गुड, ठीक है। 30+ भी आ रहा है, बहुत अच्छा तैयारी है, 20 के नीचे है तो तैयारी में थोड़ा सा गड़बड़ी है, ठीक है। झारखंड जी का अच्छा से पढ़ लीजिए अभी, और अभी हम लोग सिर्फ झारखंड का लिए 40, अगले बार लेंगे साइंस का सिर्फ 20 लेंगे, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर का 20 लेंगे, ठीक है, उसके बाद मैथ का 20 लेंगे, 20 है ना, हाँ, उसके बाद रीजनिंग का भी कराएंगे 20 लेंगे, उसके बाद जीके का भी कराएं 30 लेंगे इसमें, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करेंगे अब, बाकी एक बार मिक्स करेंगे, एक बार ऐसे करेंगे आपको, ठीक है। जेएसएससी वाला ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे देख लीजिएगा, मटेरियल पड़ा हुआ बहुत सारे, और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, या फिर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से जाके जेएसएससी वाला, ठीक है।